हेलो दोस्तों, मैं अलोक गुप्ता स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में आप लोग बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का एडमिशन कैसे पा सकते हो। आप लोग अगर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करना चाहते हो, वो भी डिप्सार कॉलेज से, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे आप लोग कैसे एडमिशन पा सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना फीस लगता है, और आपके एडमिशन लेने के बाद आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सीट कितने ऑफर करता है। सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा चलाया गया है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी दिल्ली अभी जो है ये ऑटोनोमस कॉलेज हो, मतलब दोनों ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो गया है। ना तो ये गवर्नमेंट फुल दे रहा है, ना तो फुल्ली प्राइवेट रहा है, अभी ये सेमी गवर्नमेंट हो गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, फीस यहाँ पर बहुत ही कम है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने के लिए आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए कि आप लोग एडमिशन वहाँ पे पा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के एडमिशन के बारे में, आप लोग जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो देखिए जी, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का मैंने प्रॉस्पेक्टस में निकाल लिया है। यहाँ पे देखिए आप लोग बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, आपको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो आपका होना चाहिए 12th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, 12th आपको पास होना चाहिए। कहाँ से पास होना चाहिए आपको 12th? इंडिया के किसी भी बोर्ड से। आप लोग अगर इंडिया के किसी भी बोर्ड से, लाइक UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, पंजाब बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर आप लोग पास हों तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेते हो तो मिनिमम जो आपकी एज रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए, 17 साल, 17 ईयर आपकी एज रहनी चाहिए। कब तक ये रहना चाहिए कि अगर आप लोग अपने रिजल्ट को काउंट करना, अपने आप लोग डेट ऑफ बर्थ को काउंट करना, कैसे आप लोग काउंट करोगे, एक जो है यहाँ पे 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर जो आएगा, 31 यानी कि 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक आपके पूरे होने चाहिए कितने, 17 साल की एज पूरी होनी चाहिए। आप लोग अपना एक बार काउंट कर लीजिएगा, 31 दिसंबर तक अगर आप लोग को 17 साल का एज पूरा हो रहा होगा तो आप लोग इस एडमिशन फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग 12th पास कर लेते हैं, ठीक है, तो उनका इतना एज तो होता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, मैक्सिमम एज की यहाँ पे बात नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि मैक्सिमम एज की बात कर रहे थे, तो उनके में क्या था, 25 साल से ऊपर जिनका एज था वो फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी बार सुनने में आया और देखने में आया, जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे थे तो उनका जो 25 साल से ऊपर था वो फॉर्म को नहीं फिल कर पा रहे थे। तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 17 साल है और मैक्सिमम आप लोग 25 साल मान सकते हैं। चलिए, इसमें हमने बात कर लिया आप लोग का कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि कितने सारे सीट्स ऑफर करता है दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए। तो दोस्तों, सीटों की बात करें, अगर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में आप लोग देख पा रहे होंगे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, 9th सेमेस्टर में इंक्लूड होता है। ठीक है दोस्तों, 9th सेमेस्टर में है ये पूरे के पूरे, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, यानी कि इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर के आपका ये पूरे पूरे 9th सेमेस्टर में हो जाता है, यानी कि 4.5 साल का आपका ये कोर्स होता है। अगर 8th सेमेस्टर होते हैं तो 4 ईयर का होता है, ठीक है, और 9th सेमेस्टर है यानी कि आधा ईयर आप लोग बढ़ा दो, तो कितना हो गया जी, 4.5 साल का ये कोर्स हो गया बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। और इसमें आपको टोटली जो नंबर ऑफ सीट्स हैं तो दिल्ली और नॉन दिल्ली दोनों के लिए है। दिल्ली मतलब क्या हुआ, जो कि दिल्ली से अपने पास आउट किया है, ठीक है, जो दिल्ली में रहते हैं, और नॉन दिल्ली मतलब हो गया जो कि अदर स्टेट्स हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आखिर यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है। तो सीटों की संख्या दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, टोटल जो सीटों की संख्या है वो है 50, यानी कि 50 यहाँ पे सीटों की संख्या है, जिसमें से अगर आप लोग दिल्ली और नॉन दिल्ली का देखोगे तो दोनों जो है डिवाइड है अलग अलग। ठीक है, देखिए जी यहाँ पे दोनों डिवाइड है अलग अलग। दिल्ली जनरल की बात करें हम तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 20 सीट है जनरल के लिए, SC के लिए 6 सीट है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 11 है, और EWS के लिए 4 सीट है। ठीक है दोस्तों, नॉन दिल्ली की बात करें तो नॉन दिल्ली में बहुत कम ही सीट है, टोटल जो सीटों की संख्या है वो 9 है, जिसके अंतर्गत जनरल कैटेगरी का 6 है, SC का 1 है, ST का 1 है, और EWS का भी 1 है। अब यहाँ पे आप लोग ये चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पे नॉन दिल्ली में OBC कैटेगरी नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, तो OBC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट होते हैं उनका एडमिशन जो होता है वो जनरल कैटेगरी के थ्रू ही होता है। ठीक है, वो उनको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग नॉन दिल्ली कैंडिडेट हैं तो आप लोग का एडमिशन जो होगा वो जनरल कैटेगरी से ही होगा। बाकी यहाँ पे डिफेंस कैटेगरी के भी कुछ सीटें, यहाँ पे 2 सीटें दी गई हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों सीटों की बात, हो गई आप लोग सीटों को आई होप कि समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की, आखिर यहाँ पे फीस कितना लगता है।
ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की, कितने आपको फीस लग जाते हैं एक साल में। ये केवल मैं जो बात करूँगा फीस, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग को फीस कितना लगता है, यानी कि पढ़ने का फीस कितना लगता है, उसके बाद से मैं हॉस्टल के बारे में बात करूँगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोग का फीस कितना लगता है। तो देखिए जी, बात करते हैं फीस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, फीस जो लगता है वो आपका लगता है टोटल वन ईयर का लगता है दोस्तों, कितने 90,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, 90,000 रुपये आपके फीस लगते हैं। अब 90,000 रुपये फीस तो लगते हैं, लेकिन ये जो है दो बार में आपको देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है? फर्स्ट सेमेस्टर में आपको, ठीक है, फर्स्ट सेम में जब आप लोग आओ, जब आप लोग एडमिशन होगा, जब आप लोग एडमिशन कराओगे, तो आप लोग कितना 56,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और सेकेंड सेमेस्टर में जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो आपको देने पड़ेंगे कितने, उस समय आपको देने पड़ेंगे दोस्तों 34,000 रुपये। देखिए जी, 34,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो दोनों मिला करके यहाँ पे जो फीस जो हो जाती है वो हो जाती है कितनी, 90,000 रुपये हो जाती है। अब देखिए, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ तभी मैं बोल रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देखिए, 56,000 रुपये लग रहे हैं VPT के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी फार्मा आयुर्वेदा, BMLT, BSc बायोमेडिकल साइंस, BSc ऑल UG कोर्स, यानी कि BSc नर्सिंग, बी फार्मा और BSc बायोमेडिकल साइंस, सबका जो फीस है वो सेम ही लगता है, 56,000 रुपये लगते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। और सेकेंड सेमेस्टर में जब आप लोग आते हो तो आप लोगों के लगते हैं 34,000 रुपये, यानी कि आपके टोटल और टोटल 90,000 रुपये लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको मैंने फीस के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया। अब मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पे प्रोसीजर क्या है फॉर्म फिल करने का। ठीक है, तो देखिए, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको कि फॉर्म फिल करना हो, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप लोग फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो। आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है डिप्थार एडमिशन 2022, उसके अंतर्गत आपको 4-5 वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें से एक वीडियो मिलेगा आपको कैसे आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, और फॉर्म को आप लोग अच्छे से फिल कीजिएगा, फॉर्म को गलत मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं बात करता हूँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि दिल्ली में हैं या तो दिल्ली से बाहर हैं, अगर दिल्ली में हैं, ठीक है, तो उनका जो घर अगर 40 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता है, ठीक है जी, 40 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता है अगर, तो उनको जो है हॉस्टल प्रोवाइड हो जाता है। नॉन दिल्ली के जो भी है वो 40 किलोमीटर से ज़्यादा के ही हैं, तो कहने का मतलब है कि उनका घर से कॉलेज की दूरी 40 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो उनको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। और सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है हॉस्टल में, उनको दी जाती है नॉन दिल्ली कैंडिडेट की। ठीक है दोस्तों, फीस बहुत ही कम है। तो हॉस्टल के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, हॉस्टल में क्या क्या मिलता है आप लोगों को, कैसा हॉस्टल है, प्रॉपर सारी चीज़ें मैंने शो करके दिखाई हुई है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट में ये भी मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा कोशिश करता हूँ। वीडियो में अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है। वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे जो भी वीडियो लेके आऊँगा आपसे मिस ना हो, सबसे पहले आप इस वीडियो को देख पाएँ। चलिए अभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, मिलेंगे ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।